स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनकी छवि इनोवेटिव मंत्री की रही है, जिनके इतने सारे प्रयोगों को सराहा गया है और मोदी कैबिनेट में सबसे अनुभवी और सबसे पुराने चेहरे के तौर पर ये जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। पहला सवाल ही यही लूंगी, क्योंकि एक तरफ $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, दूसरी तरफ ये कोरोना का मुश्किल समय जब अर्थव्यवस्था एकदम पटरी पर नहीं आ पा रही, कैसे आपके मंत्रालय से जुड़े या फिर आपके मंत्रालय से जुड़े जो मसले हैं उन पर, या मैं अगर बात करूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं तो मुंबई जो कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है उसकी हालत सबसे खराब है। कितना बड़ा झटका लगा है सरकार को इस कोरोना काल में और कितनी चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारी हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो यह सच है कि पूरे विश्व के ऊपर अब कोरोना का संकट है और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में भी है जी, और इसको स्वीकारना ही चाहिए क्योंकि जो फैक्ट है। पर सच्चाई है कि ये जो संकट है इसके कारण कुछ जगह पर निगेटिविटी है, फियर है, डर है, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। मैं मानता हूं कि निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा और डर के कारण तो कोई प्रॉब्लम का जवाब तो नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। आवश्यकता इस बात की है कि पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस संकट पर मात करना। देखो, आदमी के जीवन में आपने जिन महापुरुषों का आप चरित्र देखते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, चाहे उद्योग के क्षेत्र के हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हो, कभी ना कभी अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करते हैं और संकटों का सामना करते हुए जो सामने आते हैं वे अल्टीमेट लीडर बनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो संकट है, ये जो समस्या है जी, इसको हम ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में माने और इस संकट का सामना करें। इसमें दो पार्ट है। पहली लड़ाई जो है वो कोरोना के खिलाफ है जी, और मुझे अभी ऐसा लगता है कि इसके लिए जो कोरोना वायरस है उसका जो वैक्सीन है वो आने वाले कुछ दिनों में उपलब्ध होगा, और एक बार अगर हमने वैक्सीन ले लिया तो फिर हमें कोई संकट नहीं आएगा, हम इससे बाहर निकलेंगे जी। और दूसरी बात, कोरोना की लड़ाई के बाद आर्थिक लड़ाई भी शुरू है और ये भी लड़ाई बहुत कठिन है। हमारा टोटल जीडीपी 200 लाख करोड़ का है, उसमें से 10% यानी 20 लाख करोड़ का हमने ऑलरेडी पैकेज दिया है और राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर जो बजेटरी डेफिशिएट है वो 10 लाख करोड़ का आएगा ऐसा अंदाज है, तो 30 लाख करोड़ तो इसी में गए। तो स्वाभाविक रूप से अब हमारे देश के लिए हम इसमें बाहर निकलना हमारे लिए निश्चित रूप से ये समस्या कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसके लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरी बार 48% देश का एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और अभी तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ एक विलेज इंडस्ट्री का हेड है जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ये सब आते हैं, कुम्हारों के साथ छोटे छोटे लोगों को जो रोजगार हम देते हैं उसका टर्नओवर 88,000 करोड़ का है। तो ये विलेज इंडस्ट्री का है। तो जैसे मेरे पास एक घड़ी है, ये इसका बेल्ट खादी का है, तो ये टाइटन ने लाई है, जैसे लाई तो एक महीने में आउट ऑफ मार्केट हो गई। तो 5,000 रुपए की लेडीज और जेंट्स की घड़ी है, ये खादी का बेल्ट है। तो ऐसा इनोवेटिव हमने बहुत से निर्णय किए हैं। तो अभी ये हमारा प्रयास है कि 88,000 करोड़ का टर्नओवर हम 2 साल में 5 लाख करोड़ करेंगे और ये जो 29% हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ये कम से कम हम 50% ले जाएंगे 5 साल में। और दूसरी बात, जो एक्सपोर्ट हमारा 48% है एमएसएमई का, वो 60% करेंगे और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 11 अभी तक क्रिएट हुए तो ये 5 साल में 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, ये अभी कोरोना के पहले ही हमने संकल्प किया था, पर अभी शुरुआत के 3 महीने में काफी संकट और अड़चने थी, पर मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में अभी मार्केट खुला है, नेशनल हाईवे पे करीब 70-80% ट्रैफिक आ गया, हमारे पोर्ट पूरी तरह से चालू हुए, इंडस्ट्री चालू हुई है और उद्योग व्यापार का क्षेत्र भी खुला है। अभी हमको कोरोना के साथ जीने की पद्धति को विकसित करना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, मैं कहता हूं। तो ये हम इससे आगे निकलेंगे और निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। मुंबई में भी आपने कहा वो स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है और हमको लगता है कि मुंबई हमारे देश का कमर्शियल कैपिटल है, मुंबई, दिल्ली,
इन शहरों के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है, पर हम इस समस्या पर मात करके इसमें आगे निकलेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, बहुत लंबे वक्त पे ये जैसे हम अनलॉक अप फेज में आ गए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी तस्वीरें प्रवासी मजदूरों के लौटने की रही, लेकिन बहुत बड़ा योगदान स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री में इन मजदूरों का रहा है, जो लोग काम करते हैं रेगुलरली, उनको वापस लाने, उनका डर खत्म करने, उनके विश्वास को फिर से जगाने की क्या तैयारी है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि निश्चित रूप से ये सब लेबर जो है, गांव, गरीब, मजदूर और किसान, ये हमारे विकास के कार्यक्रम में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर मैं केवल आपको जब टीवी पर जब सुनता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो एक इस प्रकार का ऐसा एक परसेप्शन तैयार होता है कि पूरी इंडस्ट्री हमारी माइग्रेंट लेबर पर चल रही है। हाँ। ये सच्चाई नहीं है। उसमें ऐसा है कि 10-20% लोग बाहर के हैं, 80% लोग स्थानिक है। तो वो जाने के बाद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ऐसी स्थिति में ऑलरेडी बहुत सी इंडस्ट्री चालू हुई है। पर हमारा प्रयास ये है और उसकी नीति हम लोग एमएसएमई के द्वारा खोल रहे हैं। आज ही मेरी सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल एडवाइजर सिन्हा जी, बाद में पेट्रोलियम के सचिव, एग्रीकल्चर के सचिव, फूड एंड सिविल सप्लाई के सचिव और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सचिव और एमएसएमई के सचिव के साथ वीसी हुई। अब चावल हमारे पास सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है और अभी हमको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा, 3 साल तक लगेगा, इतना गेहूं चावल हमारे पास है। और इसलिए अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब चावल से इथेनॉल बनाएंगे, तो करीब जो बंद पड़ी 200 शुगर मिल है उनका कन्वर्शन और 250-300 इस प्रकार की इंडिपेंडेंट डिस्टिलरी, ये करके हम लोग 500-100 डिस्टिलरी ग्रामीण भाग में शुरू करके इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। अभी तक 5% ही इथेनॉल हमारे पास देश में आया है जो तैयार होता है, हमको 20% ऐड करना है, इससे 4 गुना होगा तो भी हमको चाहिए। बाद में इथेनॉल को हम डायरेक्ट इथेनॉल फ्यूल पर हम लोग गाड़ियां, ट्रक, बसेस और स्कूटर चला सकते हैं, मोटरसाइकिल। तो हमने, मैंने 2 बाइक इथेनॉल पर चलने वाली लॉन्च की है। फिर हम लोग फिशिंग में काम कर रहे हैं। फिशिंग में ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की हमको बनाना है। अभी हमारे जो 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और हमारी नदियां है, डैम है, तालाब है, तो यहाँ स्वीट वाटर का फिशिंग और सॉल्ट वाटर का फिशिंग, तो दोनों इसमें जो समुद्र में हमारे जो बोट है वो केवल 7 नॉटिकल माइल तक जाते हैं। अभी हमने कोचिन शिपयार्ड में स्पेशल ट्रॉलर तैयार किए हैं जो 100 नॉटिकल माइल जा सकते हैं, उसकी कीमत 1.25 करोड़ है। तो जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनी है, वैसे फिशिंग प्रोड्यूस कंपनी तैयार करेंगे। 5 फिशरमैन इकट्ठा होकर 5-5 लाख इकट्ठा करके 25 लाख वो डालेंगे, 1 करोड़ हम लोन देंगे और वो 100 नॉटिकल माइल जाकर फिशिंग करेंगे, तो हमारा फिशिंग का उत्पादन 5 गुना 6 गुना बढ़ेगा, तो हमारे देश में 5 लाख करोड़ की ब्लू इकोनॉमी बनेगी। एक आपकी सरकार ने हर वर्ग के लिए सोचा है, एक डिमांड ये जो खुदरा विक्रेता हैं उनकी बहुत लंबे समय से रही कि उन्हें भी अपने लिए एमएसएमई का दर्जा दिया जाए, आश्वासन भी दिया गया, क्या उसके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? दूसरी तरफ हम स्वदेशी और लोकल टू ग्लोबल होने की बात आत्मनिर्भर के मंत्रा पे कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें श्रम चाहिए, श्रम के साथ तकनीक चाहिए, तकनीक के साथ पूंजी भी चाहिए, तो वो सब बंदोबस्त कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तो हमें अहम तरीके से सोचना होगा। देखिए, पहले ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं वो ट्रेडर्स हैं और एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है और इसमें अभी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने एक किया, तो ट्रेडर्स के बारे में कुछ ना कुछ योजना करनी चाहिए, ये उनकी मांग है और मांग भी उनकी सही है, इनका भी इकोनॉमी में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो निश्चित रूप से मैं इसमें कोशिश करूंगा, वर्तमान कानून में क्या हो सकता है क्या नहीं उनके प्रति मुझे सहानुभूति है, पर अभी आज ही मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद जरूर पॉजिटिवली कुछ सोच सकते हैं तो सोचेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैंने पूछा बिल्कुल कि श्रम, तकनीक और पूंजी तीनों महत्वपूर्ण है, इन तीनों का बंदोबस्त करना और उसके साथ परफॉर्म करना क्या अभी भी हमारे लिए चैलेंज है जब हम लोकल टू ग्लोबल होने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तरीके से संभव है। मैं इसका उदाहरण से आपको बताऊंगा कि हमारे इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एफडीआई हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना ताकि मार्केट की लिक्विडिटी बढ़े, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो रोजगार का निर्माण करना, और रोजगार ये एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और एक्सपायरेंट डिस्ट्रिक्ट जो 115 है वहां ज्यादातर उसको प्राधान्य देना, ये हमारा रोड मैप है।
और जैसे अभी आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ कि ये पीपीई किट हमने 2 महीने पहले चाइना से स्पेशल हवाई जहाज से लाई थी हमारे देश में। अब हम इतनी पीपीई किट बना रहे, 5 लाख पीपीई किट रोज की बन रही है। अब हमने एक्सपोर्ट की परमिशन दी है और हमारे देश में अब कनाडा, अमेरिका, दुबई सब जगह पर हमारे देश से पीपीई किट एक्सपोर्ट हो रही है। हम आत्मनिर्भर बन गए। अब उदाहरण के लिए ये जो सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, तो पहले इसका भाव 1200 रुपए लीटर चला गया था। फिर मैंने खुद एमएसएमई में शुगर मिल को सबको बहुत आह्वान किया, फूड एंड ड्रग के लाइसेंस मिला के दिए उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया। परिणाम ये हुआ कि सैनिटाइजर का भाव 160 रुपए लीटर आया। अब हम सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हमारा एक्सपोर्ट चालू हो गया। जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लगातार एकाधी चीज है। तो इसके लिए हमने काम किया कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 3 साल में क्या हुआ है, इसका हमें किताब प्रकाशित कर रहे हैं, और उसमें जो इंपोर्ट हो रहा है उसका विकल्प देश में कैसे मिले। अभी आपको और एक अच्छा उदाहरण बताऊं कि 4000 करोड़ हमारे अगरबत्ती की काड़िया, अगरबत्ती और आइसक्रीम के चमचे और बांबू की चीजें आ रही थी। अभी मैंने फिर से हमने उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई थी, कुछ अड़चने आकर दूसरे मार्ग से लाया जा रहा था। अभी 2-3 दिन पहले निर्मला जी ने उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है। अब ये 4000 करोड़ का इम्पोर्ट नहीं होगा क्योंकि 30% ड्यूटी लगाई। तो अब ये इम्पोर्ट न होते हुए हिंदुस्तान में कम से कम 20 से 25 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। मैं मजाक में कहता था कि हमारे देश में क्या आइसक्रीम के लिए चमचे भी नहीं है, चमचों की भी कमी है जो हमको चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ रहा। पर अब वो सब हम बना पा रहे, वो बाम्बू हम लगा रहे और वो भी यहाँ हो जाएगा। ये तो आपने ठीक कहा सर, आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति दिखती है क्योंकि आपका जो मंत्रालय है उसका काम भी बहुत सामने दिखता है। मैं सड़क परिवहन मंत्रालय की बात कर रही हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना लाने और उसको लागू करने में आप माहिर माने जाते हैं और इसकी तारीफ हर कोई करता है। इस वक्त जो आपके प्रोजेक्ट्स चालू हैं या फिर अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके सामने क्या चुनौतियां आई हैं इस खासकर मुश्किल घड़ी में, इस कोरोना काल में? देखिए, पहली बात तो आप समझ लेना कि इस बार मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा। थोड़ा सा आर्थिक भाषा में होने के कारण टेक्निकल सब्जेक्ट है जी। तो मैं थोड़ा सिंपल भाषा में कहूंगा, लिक्विडिटी को बढ़ाना है यानी लोगों के पास पैसे का सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। इसका मतलब उनकी खरीदी करने की शक्ति यानी परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए। अब ये जब बढ़ेगी तब इकोनॉमी एक्सीलरेट होगी। तो आज लिक्विडिटी लाने में बैंकों ने अपना कैपिटल बड़े प्रमाण में देना चाहिए, फिर FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके अगर हम लोग FDI लाएंगे तो वो भी फायदा होगा। और ये आने से हमारे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पैसा कभी चुपचाप नहीं बैठता। समझो उदाहरण के लिए आपके चैनल को एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू आएगा तो आपके कर्मचारियों को अच्छे पगार मिलेंगे। अगर आपको अच्छे पगार मिलेंगे तो आप गाड़ी खरीदी करोगे तो गाड़ी वाले को बिजनेस मिलेगा। गाड़ी वाला जो है वो मैन्युफैक्चरर से डीलर लाएगा, वो उसको बिजनेस मिलेगा। फिर उसकी एंसिलरी इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट बनाने वाली उनको मिलेगा, तो स्पेयर पार्ट्स वाला घर बनाएगा तो उसको तो ये पैसा क्या होता है जो चुपचाप नहीं बैठता। पैसा ये एक जेब से दूसरे जेब में घूमता है। ये जितना ज्यादा घूमेगा उतना सरकार बड़ी अच्छी लाइन बोली सर आपने, पैसा कभी चुपचाप नहीं बैठता। अभी आप एक काम करो कि अगर मैं 15 लाख करोड़ के रोड 2 साल में बनाऊंगा, ऐसा मैंने ऐलान किया पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सरकारी बजट से, तो आपको उम्मीद करो कि 20% बिल्कुल 3 लाख करोड़ ये रोड जब बनेंगे तो 3 लाख करोड़ सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जो सीमेंट पर, स्टील पर जो GST है वो मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा। तो ये बाद में गिट्टी वालों को, सैंड वालों को, सीमेंट वाले को, सबको काम मिलेगा, इंजीनियर्स को काम मिलेगा, लेबर को काम मिलेगा, बिटुमिन को खरीद, यानी एक क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बिल्कुल। और इसलिए आज के स्थिति में हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आना चाहिए। जब सामान्य अभी अपने 35 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना में उनके जेब में, उनके अकाउंट में पैसा डाल, तो स्वाभाविक रूप से वो पैसा खर्चा करेंगे। कोई तेल खरीदी करेगा, कोई शक्कर खरीदी करेगा, कोई चाय पत्ती लाएगा, कोई कपड़ा खरीदी करेगा जी। तो जो एसेंशियल सब्जी खरीदी करेगा, तो सबको मार्केट मिलेगा। तो पैसा जो मैंने आपको कहा कि पैसा चुपचाप नहीं बैठता, वो लगातार, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मजाक का उदाहरण है, सीरियसली मत लेना, कि जैसे एक दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में लगातार घूमते रहते हैं। तो पैसा ऐसा ही है कि एक के जेब से दूसरे के जेब में, दूसरे से तीसरे के जेब में, इससे सर्कुलेशन बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है और उससे इकोनॉमी बढ़ती है, ग्रोथ रेट बढ़ता है, GDP बढ़ता है। अब इसमें 3 मोटे सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर।
तो इसमें हाँ. आपको मतलब हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8-12% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22-24% है और सर्विस सेक्टर का 52-54% है. अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रोजगार को निर्माण करना है, यही हमारी काम करने की दिशा है. और इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, पिछले 5 साल में मैं शिपिंग और पोर्ट्स का मंत्री था, अभी मेरे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमारा बजट था 800 करोड़ का और 4-5 साल में होते कितने, 800 करोड़ ने 4000 करोड़, पर हमने काम कितने किए, सागर माला करके एक कार्यक्रम लिया 16 लाख करोड़ का और 6.5 लाख करोड़ के काम पूरे किए. और ये पोर्ट जो 12 मेजर पोर्ट थे उनको प्रॉफिट 7000 करोड़ हुआ, सब पोर्ट सुधर गए और कम से कम 6.5 लाख करोड़ के काम हुए. अभी मैं जो रोड की बात कर रहा हूँ वो भी मैं अभी FDI, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वर्ल्ड बैंक, ADB, ब्रिक्स बैंक, सबके तरफ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं विदेशों से पैसा लाऊंगा, वो इंडियन इकोनॉमी में जाएगा, रोड का काम होगा, पैसा भी वसूल होगा टोल के द्वारा और इसके कारण हमारी लिक्विडिटी बढ़ेगी और रोजगार निर्माण होगा. तो पहली बात, आज के स्थिति में शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, रेलवे, पावर, बाद में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो अच्छा होगा. दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसमें ये पैकेज में दिया है जो 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड करके दिया है, तो इसमें क्या है कि हमारी MSME स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें MSME स्टॉक एक्सचेंज होगा और उसको जो इक्विटी खड़ा करेगा उसमें से 15% भारत सरकार देगी, हम देंगे, और वो जब मार्केट में जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, उनके शेयर खरीदी करेंगे और फिर हम लोग 3 साल में 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में हो जाएगा तो वो शेयर बेच देंगे, फिर दूसरे को इक्विटी देंगे. तो धीरे धीरे हमारे देश की 50,000 MSME जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका रेटिंग अच्छा है, जो एक्सपोर्ट करती है, जो इनकम टैक्स रिटर्न बराबर भरती है, GST टर्नओवर अच्छा है, टैक्स भरते हैं, बैंक का टर्नओवर अच्छा है, ऐसे लोगों को हम रेटिंग करके उनको अवसर देंगे और एकदम ये सब बड़ी पावरफुल बन जाएगी और पब्लिक कैपिटल उसमें मिलेगा, फॉरेन कैपिटल मिलेगा, देश की परिस्थिति सुधर जाएगी. बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले आपने एग्जाम्पल देते हुए एक दल से दूसरे दल की बात की थी और हाल फिलहाल में जनसंवाद रैलियों का दौर शुरू हो गया है, फिर से 1 साल के कार्यकाल का कामकाज भी बताया जा रहा है और आगे आने वाले टाइम पे चुनाव भी हैं. लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश में, आपने जब जनसंवाद रैली की इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने बदलता हुआ रूप देखा, सरकार बदलते हुए देखी, क्या महाराष्ट्र में भी स्थिति बनती नजर आ रही है? आप क्या वहां की सरकार का भविष्य आंक पाते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि शरद पवार के उद्धव ठाकरे के गठबंधन मुलाकात के बाद गठबंधन पर कहीं ना कहीं थोड़ी अटकलें हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. देखिए, मुझे आजकल, मैं मुंबई जाता नहीं हूँ, मैं दिल्ली से डायरेक्ट नागपुर आता हूँ, तो केवल प्रधानमंत्री ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं जिलों का केवल रिव्यू करता हूँ, राजनीतिक स्थिति के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. मैं इसलिए ये सवाल भी जोड़ूंगी सर, क्योंकि महाराष्ट्र में जब प्रवासी मजदूरों की बात आई या पूरे देश में ही, तो विपक्ष ने कहा कि आप लॉकडाउन लगाने में ही फेल रहे और लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों ने मजदूरों की स्थिति नहीं देखी और उस पर भी राजनीति शुरू हो गई. यहां तक कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बहुत हेल्प किया लोगों का, उनको भी इस राजनीति में घसीट लिया गया, क्या ये वाजिब लगता है इस वक्त? देखिये, पहली बात तो ऐसी है कि देश संकट से गुजर रहा है, पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है और कोरोना की आपत्ति यानी नेशनल कैलेमिटी भी एक प्रकार की है और इस समय जात पंथ धर्म भाषा सेक्स सबसे ऊपर उठकर, पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोगों ने इसका मुकाबला करना चाहिए. ये राजनीति करने का वक्त नहीं है. एक बार इस संकट से बाहर आएंगे तो जरूर जिसको जो राजनीति करना है वो करने का उसका लोकतांत्रिक अधिकार है और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर लड़े. बाकी राजनीति में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है. ये सोनू सूद के बारे में मैं उसको जानता हूँ, वो हमारे नागपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है, मुझे बहुत बार मिला है. उसका ना भाजपा के साथ संबंध है ना कोई लेना देना है. वो मुंबई में आकर उसने बेचारे ने एक सेवा के रूप में अच्छा काम किया है और उसको इस प्रकार से जोड़ना उचित नहीं है, इतना मैं कहूंगा. आपका जब भी नाम आता है आपकी छवि एक इनोवेटिव मंत्री की रही है, वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे फिर मैं एग्रीकल्चर पर आपकी राय की बात करूं, कुछ ना कुछ नया आप हमेशा आइडिया देते रहते हैं, आप उस पर काम करते रहते हैं.
इस वक्त पे हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करूं, चाहे वो आपके मंत्रालय की परफॉर्मेंस की बात करूं। जैसा आप बोल रहे हैं कि लक्ष्य बहुत ज्यादा है लेकिन चुनौतियां भी हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा संदेश जो या फिर कोई ऐसा आइडिया जो इस वक्त लोगों के पास आपके जरिए पहुंचे और लोग उससे मनोबल बढ़ा पाए, ये अंतिम सवाल होगा मेरा। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक बात आप जरूर याद रखिए कि इस समय हर सेक्टर अड़चन में है। कुछ राज्य सरकार को पास अगले माह को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, इस समय बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रेस में है, हमारे उद्योग संकट में है और हमारे माइग्रेंट लेबर को बेचारे वो भी संकट में, उनको भी तनख्वाह नहीं मिला है। इस समय हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उपक्रम इस समय संकट में है। मीडिया में भी आज अखबारों से बहुत से लोगों को निकाल रहे हैं, रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, तो सब लोग संकट में है। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके इस संकट का सामना निगेटिविटी, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, फियर, डर, इससे तो कुछ नहीं होगा, बर्बादी होगी। हमें काम यह करना है कि पॉजिटिविटी को जगाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना है और आत्मविश्वास के साथ हम संकट का मुकाबला करके हम जीतेंगे, कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और उसके साथ साथ इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे, ये भाव पैदा करने की आवश्यकता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता को याद करता हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी कविता थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तीसरी एक बात मैं जरूर उस गीत को याद रखता हूँ कि हम होंगे कामयाब। तो मुझे लगता है यही फीलिंग से हम लोग आगे जाए, दोनों संकट पर हम विजयी होंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि इसी पॉजिटिविटी के साथ हमने आगे जाना, यही देश के लिए फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हमारे साथ इस वक्त नितिन गडकरी जी थे, जिन्होंने साफ कहा कि इस वक्त हमें आत्मविश्वास रखना है, आत्मनिर्भर बनना है और तभी हम विजय पताका को हासिल कर पाएंगे, विजय को हासिल कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम होंगे कामयाब। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।